हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी ईक्यू चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री के जैनिज्म और बुद्धिज्म के टॉपिक के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 600 बीसी से 400 बीसी के बीच में था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है और ये आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है और आने वाले किसी भी एग्जाम में या इसको आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बुद्धिंग काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जो पहली बुद्ध की काउंसिल थी वो किस सिटी में हुई थी, नालंदा, गया, राजगिरा या बोध गया? तो इसका उत्तर है राजगिरा में। ये आपको ध्यान रखना कि ये 483 BC में हुई थी और ये जब ये हुई थी इसके जो रूलर थे उस वक्त वो कौन थे, वो आजाद शत्रु थे और ये राजगिरा जो है बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। जैनिज्म से कौन सा प्लेस एसोसिएटेड विद, आपके ऑप्शन है कपिला वस्तु, पावा, प्रयाग, श्रवास्ति। इसका सही आंसर है पावा, जो कि बिहार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कौन सी रिपब्लिक में अटेन किया था, मलास, लिच्छावीस, साक्यास या पलास? तो आपका सही आंसर है मलास। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महावीरा जैन ब्रीथेड हिज लास्ट एट। जो महावीर है उनने अपनी आखिरी सांस कहाँ पे ली थी, राजगीर, रांची, पावापुरी या समस्तीपुर? तो इसका सही उत्तर है पावापुरी। नेक्स्ट, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, किसने लिखी थी, अश्वघोष ने, नागसेना, नागार्जुना या वासुमित्रा? तो इसका सही उत्तर है अश्वघोष। नेक्स्ट के देखें, हु इज नोन एज द निगंता नत्पुत्र। तो इनमें से किसको निगंत नतपुत्रा के रूप में जाना जाता है, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, नागार्जुना या शंकराचार्य? तो इसका सही उत्तर है वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज ट्रेवल ह्यूनसेंग स्टडी एट विच यूनिवर्सिटी। ह्यूनसेंग किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? तो इसका सही उत्तर है नालंदा। नालंदा और तक्षशिला ये दोनों ही एंशियंट टाइम में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रही थी, जहां से चाणक्य जो है तक्षशिला से पढ़े थे और बाद में नालंदा के भी वो हेड बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, वत्सा में, पाटलिपुत्र में, कौसम्बी में या कश्मीर में? तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। ये आपको ध्यान रखना है 250 BC में हुई थी और इस वक्त जो रूलर थे वो थे अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन्स एट द अर्ली स्टेज वॉज रिटन इन। जो जैनों के अर्ली जो लिटरेचर थे अर्ली स्टेज में किस लैंग्वेज में ये लिखी गई थी, अर्धमग्धी में, पाली में, संस्कृत में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अर्धमग्धी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट इज केम इन टू एग्जिस्टेंस। जो गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट था वो किस समय में एग्जिस्टेंस में आया था, हिनाया सेक्ट के समय, महायाना सेक्ट या वैष्णवा या शिवा सेक्ट? तो सही उत्तर है इसका महायाना सेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी या उनके साथ के समय का कौन था? तो आपके ऑप्शन है भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीर। तो ये बहुत ही कॉमन है कि ऑब्वियस बात है महावीर और बुद्ध सही टाइम पे आए थे, सही उत्तर है महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। तो इसमें से किस स्टेट को क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो उसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्रेडल वो चीज है जहां पे बुद्धिज्म इनिशियल फेज में बहुत फैला फूला था और जहां पे उसे काफी पॉपुलरिटी मिली थी इनिशियल फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्लैन विच बुद्धा बिलोंग्स टू। बुद्धा किस क्लैन को बिलोंग करते थे, घंत्रिका, मौर्य, साक्य या कुरु? तो सही उत्तर है ऑब्वियसली साक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धा लिव्ड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम एज। बुद्ध जिस समय में रहे थे किस समय के का था, कन्फ्यूशियस, मोसेस, प्रॉफेट मोहम्मद या हम्मुराबी? इसका सही उत्तर है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस एक बहुत ही फेमस चाइनीज फिलोसफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की प्रीचिंग वॉज मेनली रिलेटेड टू। सो बुद्ध की जो प्रीचिंग थी, जो उनकी टीचिंग थी वो किससे रिलेटेड थी, बिलीव इन वन गॉड, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट या आइडल वर्शिप? तो इसका सही उत्तर है आंसर सी, प्यूरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट।
तो बुद्ध की जो सेक्रेट बुक है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है? उपनिषद, वेदास, तृप्तिका या अगमस? तो उसका सही उत्तर है तृप्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेच्यू ऑफ बुद्ध बीन इंस्टॉल? तो बुद्ध की सबसे बड़ी मोनोलिथिक लार्जेस्ट स्टेच्यू कहाँ पे इंस्टॉल की गई है या कहाँ पे है? बमियान में, हैदराबाद में, कैंडी में या लहासा में? तो उसका सही उत्तर है बमियान, जो कि है अफगानिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है एरिया कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रीद हिज लास्ट? जो बुद्ध थे वो ने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली है, जहां पे उनकी डेथ हुई थी वो कहाँ थी, या जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है? राजगिरा, बोधगया, सारनाथ या खुशीनगर? तो उसका सही उत्तर है खुशीनगर, जो कि यूपी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध एनलाइटमेंट कहाँ हुए थे? बोधगया में। और बुद्ध ने अपना पहला सरमन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, और बुद्ध का जो डेथ हुई थी वो हुई थी खुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द एड्रियन फॉलोवर जैनिज्म? इनमें से कौन जैनिज्म का एक सच्चा फॉलोवर था? बिंबिसरा, महापद्मनंदा, कार्ववेला या पुलकेशनाथ सेकंड? सही उत्तर है इसका कार्ववेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमंग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ? तो साउथ में जैनिज्म को फैलाने का क्रेडिट किसको जाता है? सुधर्माना, इंद्रभूति, भद्रबाहु या सतुलभ भद्रा? तो उसका सही उत्तर है भद्रबाहु। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? इनमें से कौन सा जो है नॉट कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म में? नॉन वायलेंस, अहिंसा, इंडिफरेंस टू वेदास, सेल्फ मोर्टिफिकेशन या रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स? तो इसका सही उत्तर है नॉन वायलेंस। बाकी इंडिफरेंस टू वेदास, सेल्फ मोर्टिफिकेशन और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, ये तीनों इसके कॉमन पॉइंट्स थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गाया बाय विच टाइम? तो किस समय तक बुद्ध को एक भगवान का दर्जा दिया गया था? अशोका, कनिष्का, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षा? तो इसका सही उत्तर है कनिष्का। कनिष्का के टाइम तक बुद्ध को एक भगवान की तरह मानने लग गए थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंदग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? तो इसका सही उत्तर है कुंदग्राम, जो कि बिहार में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंसिडर जैन सिद्ध शीर्था ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एसोसिएशन विद पर्श्वनाथ? चंपा, पावा, समेत शिखर या उज्जयंता? तो इसका सही उत्तर है समेत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला महावीर अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन वॉज फाउंडेड बाय बलादित्य, हर्षा, गोपाला, धर्मपाला? तो इसका सही उत्तर है धर्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ? जो लुम्बिनी जो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा की, वो किस इंस्क्रिप्शन में अटेस्ट की गई थी? अशोका, पुष्यमित्र संघ, कनिष्का या हर्षा? तो इसका सही उत्तर है अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महावीरा वॉज एस्टेब्लिश बाय द रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, बर्मन डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी या पाला डायनेस्टी? तो उसका सही उत्तर है पाला डायनेस्टी, और ये धर्मपाला ने भी इसको, धर्मपाला ने इसको फाउंड किया था, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी इज अ पिलग्रिमेज स्पॉट ऑफ? प्रभासगिरी ये किसका पिलग्रिमेज स्पॉट है? बुद्धिस्ट का, जैन्स का, सेवेटीज का या वैष्णवीज का? तो इसका सही उत्तर है जैन्स। जो बुद्धिस्ट है वो बुद्ध को फॉलो करते थे, जैन महावीर को, सेविस्टी जो शिवा के फॉलोवर है, और वैष्णवी जो है वैष्णव विष्णु के जो फॉलोवर्स हैं उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा? महावीरा की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख जो चीफ है वो कौन बना था? जाम्बू, भद्रबाहु, स्थूल भद्रा या सुधर्मा? तो इसका सही उत्तर है आंसर डी, सुधर्मा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसवा क्वेश्चन, द तृप्तिका वॉज रिटन इन ब्राह्मी, खरोस्थी, पाली, संस्कृत? तो इसका सही उत्तर है सी, पाली। तो ये थे इसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके साथ एक बोनस क्वेश्चन है, इस जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये बोनस क्वेश्चन है, अनिकेतन वेदा इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो अनिकेतन वेदा है वो किसकी कोर थ्योरी और फिलोसफी है? बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, सिखिज्म की या वैष्णविज्म की? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे
आपको भी एक आइडिया लग जाएगा आपने कितना रिविजन किया है इसमें, तो उसको कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कीजिए इसके आंसर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट हम और आपके लिए लाएं फ्री में जिससे आपको और बेनिफिट हो, एग्जाम की तैयारी करने में हेल्पफुल हो, तो चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करें वो आपको जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन आए और आपसे कोई नई वीडियो मिस ना हो। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, आपके सपोर्ट के कारण ही हम और ग्रो कर सकते हैं और कंटेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।